डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एक टॉपिक डिस्कस किया कि भाई एक वायर है, अगर मुझे कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना पावर दोगे, वो पावर आपका कैसे कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो उस क्वेश्चन में क्या बात आई, तो जो लेंज लॉ हमने डिस्कस किया, लेंज लॉ में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपका ऑपोजिशन का, आप जो करोगे जो भी रूट कॉज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का, उसको आप अपोज करेंगे। अब अगर मैं लेंज लॉ को एक दूसरे फॉर्म में पढ़ूं, तो लेंज लॉ बेसिकली किसको सपोर्ट करता है, तो लेंज लॉ सपोर्ट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, नॉट मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली अगर आप देखो तो दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ये वायर आपका स्लाइड कर रहा है इस तरीके से, वायर के स्लाइड करने की वजह से ये जो आपका फ्लक्स इंक्लोज है, जो फ्लक्स इस लूप से पास कर रहा है, जैसे जैसे आगे जाएगा ये वायर, आपका वायर के स्लाइड करने की वजह से उसका जो फ्लक्स है उस सरफेस से पास कर तो इंक्रीज कर रहा था। अगर आपको पूछे कैसा फ्लक्स बट चेंज हो रहा है, तो ऊपर से देखने पे आप बोलोगे सर आपके वायर के स्लाइड करने की वजह से डॉट फ्लक्स आपका इंक्रीज कर रहा है। डॉट फ्लक्स को अपोज करने के लिए कैसा फ्लक्स इंड्यूस होना चाहिए, तो आपके पास डॉट फ्लक्स था, तो आप अच्छे से देखो जब ये वायर स्लाइड किया तो आपकी करंट इस तरीके से आ रही है, करंट अगर बच्ची इस तरीके से आएगी तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, डाउनवर्ड। तो इस वायर के स्लाइड करने की वजह से क्रॉस डॉट फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अपनी तरफ से फ्लक्स इंड्यूस होगा, वो कैसा हो जाएगा आपका क्रॉस, क्लियर। या फिर एक चीज़ और देखो, जब ये वायर आगे जा रहा था तो वायर को आगे जाने की वजह से मैंने क्या सिखाया था, अगर वायर स्लाइड करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स उसके मोशन को अपोज करेगा। यहाँ से देखो क्या मैग्नेटिक फोर्स आपके मोशन को अपोज कर रहा था, देखिएगा यहाँ पर। अब हुआ क्या, मैग्नेटिक फोर्स उसके मोशन को अपोज करता, उससे ये थोड़ा सा स्लो हो जाता, लेकिन वो आपने रिटार्डेशन अवॉइड कर दिया एक्सटर्नल फोर्स अवॉइड करके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके आपने इसकी स्पीड को घटने से रोक दिया था। टेक्निकली एनर्जी कैसे जा रही है, आप जो मेहनत कर रहे हो एफ एक्सटर्नल वी, जो आपका रेट ऑफ वर्क डन है, वो आपका किस में जा रहा है, हीट में जा रहा है। ध्यान से देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही थी ना, तो बेसिकली लेंज लॉ क्या कर रहा है बच्चे, जब आप यहाँ पे इसको पुल करने में मेहनत कर रहे हो राइट डायरेक्शन में, जब आप इसको मेहनत पुल करने में मेहनत कर रहे हो, तो वो आपका वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। तो बेसिकली जो अपोजिशन हुआ ना लेंज लॉ के हिसाब से, इसके चलने को अपोज किया, मैग्नेटिक फोर्स इसके अंदर से एनर्जी लेके किस में डाल रहा है, ये आपका हीट में डालता जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, जो आप वर्क कर रहे हो वो सारा का वर्क आपका हीट में जा रहा है। चलो इसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखिए, है ना भाई, आपने इस बार क्या किया, सेम डिस्कशन है ना, सर सेम है तो भाई क्यों कर रहे हैं भाई, देखो इसमें डिस्कशन सेम है, पर देखो आपने यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर को राइट डायरेक्शन में वी नॉट स्पीड से थ्रो किया, इट इज़ प्रोजेक्टेड एट दिस स्पीड एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। चल अब अगर इसको बच्चे आप यहाँ पे थ्रो करते हो तो ये आपका आगे जाएगा, डन। अगर मैं इसका टॉप से व्यू बनाऊँ, है ना, ऊपर से देखूँगा, तो अगर मैं इसको अप साइड से विजुलाइज करता हूँ तो श्योरली मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी, तो आप बोलोगे सर डॉट फील्ड होगी, है ना, पक्का सही है, डॉट फील्ड होगी। और आपको क्लियर है जैसे जैसे वायर आगे स्लाइड करेगा वैसे से आपका जो इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, कौन सा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, डॉट फ्लक्स, ठीक। तो ये वायर आपका यहाँ पर है, मान लेते हैं बच्चे वायर आपका यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड आपने बी मान ली, बी डॉट आ रही है, एस आर मान लिया, चलिए भाई बताइए ईएमएफ कैसा आएगा, तो वी क्रॉस बी डॉट एल के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया बच्चे, जिस डायरेक्शन में वी, देखो ये बी हुआ ये वी हुआ, वी से बी की तरफ टर्न करोगे तो ये एंड पॉजिटिव आएगा, तो आपका इस वायर के स्लाइड करने की वजह से जो आपने वायर लिया है वो कंडक्टिंग वायर ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से एक बैटरी में,
भले वो आपको ऐसे दिख रहा है पर टेक्निकली वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है बच्चे, एक बैटरी में, जिसका लोअर एंड कैसा है बच्चे, पॉजिटिव। अब एक बात पक्की, अगर एक बैटरी ऐसे आ गई तो सर सर्किट में करंट होगी, सर्किट में करंट कुछ तरीके से आ गए। ये इंड्यूस करंट है, ये इंड्यूस करंट अपनी फील्ड कैसे देगी? तो भाई देखो, लेंज लॉ को बिल्कुल अच्छे से बात है, इस वायर के स्लाइड करने की वजह से आपका वायर जब इस तरीके से यहाँ पहुँचेगा, वायर स्लाइड करेगा, डॉट फ्लक्स पड़ रहा होगा, डॉट फ्लक्स को अपोज करने के लिए ये खुद सेल्फ फ्लक्स कैसा देगा, क्रॉस है ना, करंट ऐसे चल रही है ना, तो इसका अपना फ्लक्स कैसा आ जाएगा, क्रॉस। तो आप डॉट के चेंज के बढ़ने को अपोज करने के लिए आप खुद कैसा फ्लक्स दे रहे हो, क्रॉस। अब जब करंट बच्चे इस तरीके से आएगी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, यहाँ पे डॉट फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डॉट, तो अब जरा एक बार सोचो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में सोचो, तो आई एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंग है, देखोगे बच्चे ये डायरेक्शन किसकी हो गई आपकी आई, और ये आपका बी आ गया, तो आई एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका फोर्स लेफ्ट साइड में आएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स श्योरली इस बॉडी को, इस कंडक्टिंग स्लाइडिंग वायर को स्लो करेगा। इसके लिए टी इक्वल जीरो पे भले तो है वेलोसिटी टी वी नॉट है, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सर वी हो जाएगी। इस बार को एक्सटर्नल फोर्स नहीं सपोर्ट कर रहे, पहले क्या था, अब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे यहाँ पर। तो ये डिस्कशन टी इक्वल टू टी का आ गया, टी इक्वल टू टी पे आपसे पूछा जाए सर वायर स्लाइड करके थोड़ा आगे आ गया, स्पीड वी है, अगर स्पीड वी हो गई है तो मैं एक वर्ड बच्चे यूज कर सकता हूँ, इंस्टेंट ईएमएफ। जब तुम थोड़ा स्लो हो गए, पहले वी नॉट से चल रहे थे तो तुम्हारा ईएमएफ बीवीएल था, बीवी नॉट एल था, अब तुम्हारा ईएमएफ कितना होगा इस इंस्टेंट पे, तो बोलोगे बीवीएल। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, आगे पीछे का नहीं पता, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस से आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगी बीवीएल बाय आर। उसके अकॉर्डिंग आपको इस इंस्टेंट पे एट टी इक्वल टू टी मोमेंट क्या मैग्नेटिक फोर्स मिल गया, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, बोले आई एल क्रॉस भी पड़ा था, बी आई एल साइन थीटा पड़ा था, भाई करंट आपके इस तरीके से आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपकी डॉट है, तो आई एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंग आपका फोर्स लेफ्ट साइड में, अगर एंगल 90 डिग्री आ गया तो फोर्स बी आई एल, लिखा आपने बी इंटू एल और आई की वैल्यू बी वी एल बाय आर। तो इस इंस्टेंट पे आपके पास जो फोर्स आएगा वो हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय, डन। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये बी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स, लेंथ फिक्स, रेजिस्टेंस फिक्स, तो आप इसे चाहो तो सी वी लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चे सम कॉन्स्टेंट टू वी आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय वी, और ये वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय मास, तो स्लाइडिंग वायर का मास अगर मैं एम मान लूँ तो सी वी बाय एम आ गया, क्लियर। वायर का मास मैं एम एस क्यू कर ले रहा हूँ सी वी बाय। ये एक्सेलरेशन बच्चे ध्यान से देखो किधर है, सर मैग्नेटिक फोर्स लॉ के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, तो ये एक्सेलरेशन बेटा आपका लेफ्ट साइड में है, ये फोर्स इस वायर को स्लो करता जा रहा होगा, जो लेंज लॉ से सही भी है, स्लाइडिंग वायर आपका राइट साइड में है, जो इफेक्ट आ रहा है उसको स्लो कर रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे सर, कैलकुलस से रिलेट करें तो माइनस डी वी बाई डी टी, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम पूछे थे डी वी बाय वी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस सी डी टी बाय एम, और आप इंटीग्रेट करिए। जब आपने काउंटिंग स्टार्ट करी थी वेलोसिटी वी नॉट थी, धीरे धीरे समय के हिसाब से आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। डी वी बाय वी का इंटीग्रेशन बच्चे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा, लॉग वी बाय वी नॉट, सिंपल लॉग एक्स आएगा बच्चे, और लॉग अपर माइनस लॉग लोअर लिखोगे तो लॉग वी माइनस लॉग वी नॉट, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस सी टी बाय। तो ये जो आपने स्लाइडिंग वायर लिया था, ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही होगी, और लेंस लॉ को बिल्कुल आप अच्छे सपोर्ट करते जा रहे हैं। क्या सर वायर स्लाइड कराओगे, फ्लक्स बढ़ेगा, सर फ्लक्स बढ़ेगा तो वो उसके मोशन को अपोज करेगा, समय के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी बच्चे धीरे धीरे आपकी कम होती जानी चाहिए। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ पूछूं तो वेलोसिटी आपकी इनिशियली कितनी थी जिस समय उन पर आपने स्टार्ट किया था, उस मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट, और एज वायर इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस, जैसे चलता जाएगा वायर आपका स्लो करता जाएगा, एक्सपोनेंशियल डीके आपका यहाँ पे आना चाहिए, ओके।
तो वेलोसिटी कम होती जाएगी सर, ठीक है हम आपकी बात समझ गए। वेलोसिटी कम होगी तो क्या करंट भी कम होती जाएगी, क्योंकि करंट आपके मोशन पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है। तो भाई यहाँ पे करंट जो होगा आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एल बाय आर। आप इसे सिंपली लिख दीजिए बी एल बाय आर वी नॉट ई टू द पावर माइनस सी टी बाय एम। ज़रूरत पड़ने पर हम सी यूज़ करेंगे आगे चल के। सी की वैल्यू आपको यहाँ से देखो, मैं इधर वाइट सेंस सर्कल कर दे रहा हूँ, ये सी था और यहाँ पे सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर था। डन सर, आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं? मैंने आपको लास्ट जब ये जो प्रॉब्लम पिछली वाली फिनिश हुई, मैंने आपको एक बात बोली, मेरा कहना ये था कि लेंस लॉ क्या है, अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट सही है पर इट इज़ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म। धीरे धीरे ये वायर स्लाइड करता जा रहा है, हम सब एग्री कर रहे हैं ये वायर स्लो होता जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है ना। अब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट हो रही होगी, आप कहीं और देख सकते हो। सर धीरे धीरे जैसे वायर जाएगा आगे, मैग्नेटिक फोर्स इसके अंदर से एनर्जी निकाल निकाल के इसमें हीट देगा। सर कैसे? सिंपल, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसको स्लो करेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे आपके चार्ज पार्टिकल का टर्न आया था, भैया रोटेट करने शुरू किए थे ना, तो एक तरीके से ये एनर्जी निकल के इसमें चलती जा रही है। धीरे धीरे ये ब्लॉक कंडक्टिंग रॉड स्लो होती जाएगी और वो इस हीट में कन्वर्ट होता जाएगा। सर हम कैसे एग्री करें इस बात से? तो एक काम करते हैं, वो जो वायर है उसमें पर सेकंड कितनी हीट डेवलप हो रही ज़रा देखी जाए। तो एक वायर में अगर आई करेंट हो तो पर सेकंड जो हीट डेवलप होती है, अगर मैं एच बाई टी लिखूँ तो वैल्यू आई स्क्वायर आर आती थी, है ना, आई स्क्वायर आर लिख दीजिए। अगर मैं पूछूँ टोटल हीट कितनी डेवलप होगी तो आंसर आता था, अगर कांस्टेंट हीट होता था तो आई स्क्वायर आर टी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्डेंसली करंट चेंज हो रही थी, पर सेकंड कितनी हीट डेवलप होगी आई स्क्वायर आर, उस डी टी इंटरवल में, छोटे से इंटरवल में कितनी हीट डेवलप होगी आई स्क्वायर आर डी टी, और टोटल हीट बेटा कितनी डेवलप होगी उस आर रेजिस्टेंस में, तो आप इंटीग्रेट करेंगे आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन। सब बहुत अच्छी बात है, हम इसका लिमिट क्या रखेंगे? भाई जब आपने काउंटिंग शुरू करी थी टाइम ज़ीरो था, और ये माना जा रहा है कि एक लंबे समय के बाद ये वायर स्लाइड होते होते रुकेगा, तो मैं इसके अपर लिमिट को इन्फिनिटी रखूँगा, तो इससे मुझे टोटल हीट मिल जाएगी। तो आपके दिमाग में बताइए, वाह सर बढ़िया बात है सर, अगर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे तो आंसर भी इन्फिनिटी आना चाहिए। देखते हैं, अब बच्चे यहाँ से आर कॉमन ले लिया, आई स्क्वायर की वैल्यू अगर देखी जाए, ये दिख रहा है आई, तो आई स्क्वायर बच्चे कितना होगा, तो बोलोगे बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू सी टी बाय एम डी टी। सो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं बच्चे, हम इसमें से बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर कॉमन ले लें, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू थे, इनफैक्ट वी नॉट स्क्वायर भी कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में आ गया बच्चे ई टू द पावर माइनस टू सी टी बाय एम डी टी। डन, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय आर, और लिमिट क्या आ गई, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस टू सी टी बाय एम डी टी। क्लियर, ये आपके पास एक टर्म आ रहा है। आपने कहा सर ठीक है बहुत अच्छी बात, ई टू पावर माइनस टू सी टी बाय एम डी टी इंटीग्रेशन देखा जाए, तो एक चीज़ बच्चे याद रखना, अगर आपने इंटीग्रेशन किया है तो, अगर नहीं किया है तो ई टू पावर अल्फा एक्स सी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वन बाय अल्फा ई टू द पावर अल्फा एक्स। ओके, ई टू पावर एक्स डी एस का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स होता है, ई टू पावर अल्फा एक्स का क्या होगा, वन बाय अल्फा, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टू सी टी बाय एम बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय आर। और आप अच्छे से देखो बच्चे, ये जो टी का कोफिशियंट आ रहा है, दिख रहा है आपको टी का कोफिशियंट कितना है बच्चे यहाँ पर, टू सी बाय एम, तो वन बाय अल्फा हो जाएगा, तो टू सी बाय एम डिनोमिनेटर में लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बाय टू सी, और लिमिट बच्चे अभी रखना बाकी है इस इंटीग्रेशन में फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। चलिए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी लिख दीजिए और ई टू द पावर जीरो लिख दीजिए, ठीक है। अब आप अच्छे से देखोगे, बड़ा अच्छे से रिलेशन आता है बच्चे यहाँ पे, सर अच्छा क्या है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर और टू आर। सी की वैल्यू बच्चे देखी जाए तो क्या थी, सी हमने एक जगह लिखा था, सी आर था बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर।
भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई कुछ अच्छी, जैसे बोलता है न्यूज़ आ रही है, बी स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, आर कैंसिल, आपके पास जो रिलेशन आया सर वो तो हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और ब्रैकेट अभी रुको, इडिपा माइनस इन्फिनिटी, इडिपा माइनस इन्फिनिटी बच्चे क्या हो जाएगा आपका जीरो, और इडिपा जीरो कितना हो जाएगा माइनस वन, तो आपके पास ये वैल्यू जो आई थी इसमें आपके पास एक माइनस आया था, ये माइनस था क्योंकि इडिपा माइनस टू सी टी बाय एम था, तो यह माइनस, इडिपा माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, इडिपा जीरो क्या हो जाएगा आपके पास वन, और पूरी जो हीट डेवलप होगी वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आई। तो वायर अगर मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं एक चीज़ बात पूछ रहा हूँ, ये वायर जो आपने थ्रो किया था चलते 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 कहीं जाके रुक जाएगा? यस सर। आफ्टर लॉन्ग टाइम रुकेगा? यस सर। कितनी देर बाद रुकेगा आप कितना बोल सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, लेकिन उस पीरियड में जब ये रुक जाएगा तो वो सारी एनर्जी गई कहाँ? तो एनर्जी कंजर्वेशन से साथ समझ आता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ गया। कल को अगर मैं इसी सवाल में पूछूं कि सर वायर चलते चलते आगे आ जाएगा और मान लेते इसकी स्पीड सर हाफ हो गई, तो बताइए इसमें कितनी हीट डेवलप होगी? तो आप लेंज लॉ से बोलोगे सर आगे चलते हुए वी नॉट से अगर वी नॉट बाय टू हुआ है तो उसकी इनिशियल एनर्जी जितनी थी उसकी वन फोर्थ हो गई है, और जो एनर्जी गई है वो किस में गई? हीट में, क्योंकि लेंज लॉ एक दूसरा फॉर्म है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नॉट मैकेनिकल एनर्जी, ये कन्वर्ट कर रहा है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में, दूसरे फॉर्म में। देखो लास्ट क्वेश्चन में यही तो बात आई थी, जब आप पुल कर रहे थे तो जो आप मेहनत कर रहे थे एफ एक्सटर्नल डॉट वी की, आपने जो मेहनत करी थी बच्चे यहाँ पर एफ एक्सटर्नल डॉट वी की, वो मेहनत किस में कन्वर्ट हुई थी आपकी? हीट। क्लियर? तो ये बेसिकली जो डिस्कशन आता है आपका यहाँ पे, ये ब्लॉक चलते चलते रुकेगा और लेंज लॉ बेसिकली सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, धीरे धीरे वायर की स्पीड, धीरे धीरे वायर की करेंट, धीरे धीरे आपका ईएमएफ कम होता जाएगा और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डन। ये आपका फाइनल टोटल हीट डिसिपेटेड अगर पूछी जाए तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के इक्वल है। ओके। तो नेक्स्ट डिस्कशन में हम और क्वेश्चंस को भी देखेंगे, पर ये जो पिछले दो डिस्कशन रहे उसमें हमने एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैकेनिक्स से रिलेट किया, भाई वायर चल रहा है तो उससे फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ आ रहा है, करंट आ रही है, फोर्स आ रहा है, वो स्लो हो रहा है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इस टॉपिक में आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैकेनिकल एनर्जी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है लेंज लॉ क्या करेगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी करने में आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि अपोज कर रहा है तभी उसने वी नॉट को कम किया, अपोज करके उसने स्पीड कम करी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करी ना। तो लेंज लॉ में याद करो क्या बोला था, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द रूट कॉज, इट अपोजेस द रूट कॉज का मतलब क्या होगा भाई, ईएमएफ आएगा तो रूट कॉज अगर वायर चल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को निकाल के वो आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ओके। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि उसमें अपोजिशन का नेचर है। ओके। हम नेक्स्ट पार्ट में भी इन्हीं क्वेश्चंस को आगे देखेंगे।